देखिए आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि छह का प्रतिशत में बदलिए, किसी भी भिन्न को किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, मतलब किसी को यदि प्रतिशत में बदलना हो कभी भी किसी भी तत्व को तो सदैव क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुणा करते हैं, माने किसी भी भिन्न को किसी भी अंक को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। ये हमने पहले दिन आप लोग को पढ़ाया था लाइव सेशन क्लास में, और ये भी लाइव क्लास आपके लिए चल रही है। जी हाँ, ये पेड क्लास के लिए आप लोग के लिए चल रही है। ये 6 है तो गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600%। एकदम आसान, माने किसी को भी यदि आपको हल करना है परसेंट बदलना, 100 से गुणा कर दीजिए, एक लाइन में सीधा 100 से गुणा कर दीजिएगा, अपने आप परसेंट हो जाएगा। जैसे कभी पूछा जाए कि भैया 3:2 को प्रतिशत में बदले, तो भैया कैसे बदलेंगे, हम इसे लिख सकते हैं 3/2 परसेंटेज बदलने के लिए गुणे 100, तो क्या हो जाएगा, 2 से कटेगा 50, तो हो जाएगा 150%। लिख लीजिएगा, एक लाइन कहीं लिखिएगा, किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए सदैव 100 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं, सदैव 100 से गुणा करते हैं। जैसे प्रश्न आप ये पूछ देता कि 0.2 को प्रतिशत में बदले, 0.2 को प्रतिशत में बदले तो कैसे बदलेंगे, मल्टीपल 100, क्या कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये 20, तो ये हो जाएगा 20%, क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 20%। माने किसी भी अंक को किसी भी पद को जब भी प्रतिशत बदलने की बात करेगा तो आप हमेशा गुणे 100 करिएगा। याद रखिएगा, मैंने स्टार्टिंग से पहले दिन मैंने आपको ये बता दिया था, मैंने कहा था इसका प्रयोग आपको कहां कहां और कब कब करना होगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगर आप चाहे इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम में इंस्टॉल करके दुर्गेश सर्च कर इलर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। सिवाय सवाल के, प्रश्न के अलावा हम किसी भी टॉपिक का जवाब नहीं देते। किसकी मैथ चल रही है तो मैथ की क्लास, मैथ की, बाकी विषय के लिए वीडियो बनी हुई है, आप वहां पे देख सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया बारह, कह रहे यदि 75 का 20% 15 है तो 20 का 75% कितना होगा, जरा कमेंट करके बताइएगा। इस सवाल केवल भाषा समझनी है, वास्तव में ये प्रश्न आसान है, गणित एकदम आसान है, लेकिन आपको लगातार प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लगातार क्लास पढ़ने की जरूरत है, रेगुलरिटी आपके लिए मायने रखती है। जी हाँ, यदि 75 का 20% 15 है तो 20 का 75% कितना होगा, तो बताइए सभी लोग ये कैसे लगेगा। ये लगाने के लिए आपको बस एक लाइन आप इंतजार करना पड़ेगा, यदि 75 का 20% 15 है, ये तो पहले से हल है, प्रश्न को समझिए, ये लाइन तो पहले से यहां तक हल है कि भैया 75 का जो 20% और 15 है तो 20 का 75% क्या होगा, तो यही आपको हल करना है। ये हल करेंगे तो क्या होगा, 20 लिखेंगे, कितना कर रहा है, काम माने क्या होता है, गुणा, मैंने पढ़ाया है गुणे 75/100 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 75/100, ये लड्डू से लड्डू कट गया, 2 से काटेंगे 5 और 5 से काटेंगे तो 15, इसका उत्तर क्या होगा, 15 यहां पे है कहीं, विकल्प ए इसका। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे सवाल आपको भटकाने के लिए दिया गया था, मतलब बात को यह समझिए कि यदि 75 का 20% 15 है तो 20 का 75% क्या होगा, ये तो भैया हल है, इतना तो पहले से ही हल है, इसको तो आपको सॉल्व ही नहीं करना है, सॉल्व जो करना था वो ये सॉल्व करना था कि 20 का 75% कितना होगा, क्या करना था कि 20 का 75% कितना होगा। क्लियर, किसी कोई दिक्कत किसी कोई समस्या है तो कमेंट करके पूछ सकता है, केवल सवाल को ना आने की दशा में। जी हाँ, जितने लोग लाइव वीडियो को देख रहे हैं अगर उनको समझ में नहीं आ रहा है वो लोग शेयर कर दें, सॉरी पूछ सकते हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा, जो पढ़ रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है वे सभी, क्योंकि ये लाइव क्लास आपके लिए चल रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। जी हाँ, टेलीग्राम पे इसकी PDF है, आपको दुर्गेश सर सर्च करके, दुर्गेश सर सर्च करेंगे इलेनी पे, दुर्गेश पे प्रश्नों की PDF पड़ी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया, बहुत ही सरल प्रश्न है, 40 का 40% कितना परसेंट होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, मैं उम्मीद करता हूं प्रश्न आप जरूर लगाइएगा। कह रहा है 40 का 40% का कितना परसेंट होगा, जरा कमेंट करके बताइए, प्रश्न अधूरा तो नहीं रह गया ना, सभी लोग बताएं कैसे लगेगा ये, बताइए जल्दी से। पता
बताएं जल्दी कमेंट करके क्या होगा, कैसे लगेगा ये, सभी लोग कमेंट करके बताएं। बताइए कैसे लगेगा। धीरे धीरे कम से लेवल बढ़ेगा, अचानक से लेवल आपका नहीं बढ़ेगा ना, तो आप लोग को समझना चाहिए। आइए देखते हैं, यहाँ पे होगा पहले 40% का 40% कितना परसेंट होगा, तो भैया ये हो जाएगा 40/100 फिर का 40/100। हमने बताया था कि प्रश्न की भाषा में मत दिएगा, यदि किसी पद या अक्षर के दाईं तरफ परसेंट का चिन्ह लगा हो उसका बटा 100 होता है, ये हमने स्टार्टिंग पढ़ा दिया था। तो ये फिर कह रहा का परसेंट होगा, यहाँ पे गुणे 100 कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 100 से क्लियर, यह लड्डू यह 2 से कट गया, 4 × 16 क्या हो जाएगा 16%, क्या होगा 16%, इसका उत्तर क्या होगा 20 का राइट आंसर होगा, बी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। ध्यान से देखिएगा, 40% माने 40/100, का माने गुणा 40% 40/100, का कितना परसेंट माना 100, क्योंकि हर वस्तु अपने आप में 100 होती है, मैं प्रारंभ से पढ़ाते और बताते आ रहा हूं, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा 16% राइट आंसर, 16% से क्या होगा सही जवाब होगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर ले, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे पड़ी हुई है। जी हाँ, ये पेट क्लास के लिए क्लास चल रही है। जी आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एक प्रश्न और आ गया है कि 144 का x परसेंट 9 है, x की वैल्यू क्या होगी। 144 का x परसेंट 9 है, 144 का यदि x परसेंट 9 है तो x की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। कैसे, आइए, 144 का x परसेंट 9 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 144 गुणे x परसेंट है x बटा 100 बराबर क्या होगा 9। ये इधर गुड़े में उधर जाएगा पलट जाएगा, इधर हो जाएगा x बराबर, यहाँ 9 है गुड़े, ये 100 ऊपर हो जाएगा और 144 नीचे, 9 से काटेंगे 9 और 16 बचेगा, यहाँ 4 से काटेंगे 4 और 4 से काटेंगे 25, तो हो जाएगा 25/4 माने 6 सही 1/4 4 4 प्रतिशत पूछा था, ये हो जाएगा। क्लियर हुआ, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग बताएं क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, सभी लोग। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। आगे आपके सामने अगला प्रश्न, धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ रहा है, यहां भी इस प्रश्न को हल करना है आपको। कह रहा है कि 64 का x परसेंट 24 है, x की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन मार्क दिया है, क्वेश्चन मार्क जगह x रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जगह a रख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क जगह b रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे पूछा है कि 64 का x परसेंट 24 है, भैया 64 का जब x परसेंट 24 है, 64 का जब x परसेंट 24 है तो x की वैल्यू क्या होगी। आइए देखते हैं x की वैल्यू क्या होगी, कैसे निकलेगी। बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग उत्तर बता सकते हैं, अपने प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 64 का माने गुणा, यहाँ पे मानेंगे x परसेंट, x बटे 100 बराबर 24, उधर ले जाते हैं तो x बराबर पलट जाएगा, 24 रहेगा, जो इधर ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा, 100/64। ठीक, 8 × 3 = 24, 8 × 8 = 64, 4 × 2 = 8, 4 से कटेगा 25, ये ऊपर हो जाएगा 75/2, इसका मतलब 37 सही 1/2, इसे कहते हैं 37.5%, मतलब इसका जो उत्तर होगा ए इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ, इसका जो उत्तर होगा ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जी हाँ जी, ये पेट क्लास के लिए क्लासेस चल रही हैं, अगर आपने भी पेट क्लास नहीं लिया है तो उसके लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम पे दुर्गेशर सर्च कर इलेनी भी दुर्गेश से जुड़े रहिएगा, फेसबुक पेज इलेनी भी दुर्गेश, ट्विटर इंस्टाग्राम इलेनी भी दुर्गेश। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा। अब संख्या का लेबल धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, प्रश्नों का जो लेबल है धीरे धीरे करके बढ़ेगा,
प्रश्न क्या कह रहा है, यदि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 40% और 50% कम है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी। पहले एक बार आप हल करिए, अगर हल हो गया तो ठीक है, नहीं होता है तो हम आपको इस टॉपिक को दोबारा बताएंगे, दोबारा समझाएंगे ये कैसे हल होगा। एक बार आप लोग प्रयास करिए, कॉपी कलम लिख के बैठे हैं, पहला काम आप प्रयास करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि दो संख्या किसी संख्या से 40% और 50% कम है, कम की बात कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये मानते हैं सबसे पहले कि माना तीसरी संख्या 100 थी, तो 40 और 50% कम है, तो पहली दूसरी संख्या कितना परसेंट है। तो यहाँ पे जो पहली संख्या, एक मिनट देख लेते हैं, एक मिनट देख, फर्स्ट संख्या, सेकेंड संख्या, थर्ड संख्या, माना तीसरी संख्या 100 थी, 100 मान लिया, ठीक। अब क्या कह रहा है, पहली संख्या 40% कम थी, माने 40% कम थी, माने कितना हो गया 100, 50% कम थी तो 50, ये हो गई पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, आइए देखते हैं। पहली संख्या क्या है 60, दूसरी संख्या क्या है 50, प्रतिशत इसी भिन्न को प्रतिशत बदलने के लिए सदैव गुणा 100 से करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया है, लड्डू से लड्डू कट गया, 5 से काटेंगे 20, 20 गुणे 6 करेंगे आएगा 120%, क्या आएगा 120%, क्या आएगा 120%। प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा। क्लियर हुआ, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के तीसरी संख्या से 40% 50% कम है, अगर कुल 100 हुआ, 40 निकाल देंगे पहली संख्या 60, 100 में 50 निकालेंगे दूसरी संख्या 50, तीसरी 100, तो वही पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट रहता है, यही होगा पहली संख्या 60/50 = 120। क्लियर, किसी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया, ये मैंने कई बार पढ़ाया था, ये हमने पूरा टॉपिक को पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाया था, अगर आपने क्लास पूरी अटेंड की होगी तो आप इस प्रश्न को आसानी से लगा लेंगे। कह रहा है यदि कोयले के मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए, कोई गृहिणी कोयले के प्रयोग को कितना प्रतिशत बढ़ा दे कि खर्च में कोई वृद्धि ना हो। जो रेगुलर क्लास पढ़ रहे होंगे, जो पेट क्लास के मेंबर होंगे, उन्हें मैंने इस प्रश्न को काफी कई तरह से मैंने समझाया था कि जब किसी भी प्रतिशत के सवाल में पहले परसेंटेज बढ़ेगा और दोबारा या तो घटेगा, मतलब वहां पर हमने ये बताया था कि पहले परसेंटेज बढ़ेगा फिर बाद में घटेगा और कहेगा इसका अपरिवर्तित हो, या तो पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा, कहेगा नहीं 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 अपरिवर्तित हो, इस दशा में आर प्रतिशत 100 ± r / 100, यह हमने आपको बताया था एकदम आसान तरीके से, आसान वे में हमने बताया था कि बाद में कोई परिवर्तन ना हो, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े और शुरुआत में कमी या वृद्धि करेंगे। तो जब इस तरह के प्रश्न आएंगे आपके परीक्षा में तो पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न पढ़ने के बाद पहली लाइन पढ़ेंगे, क्या रहा पहली लाइन 25% की कमी कर दें, क्या कर दें 25% की कमी, तो कुछ नहीं करना है, यहां लिख दीजिएगा 25 बटे, पहली लाइन क्या कह रहा है कमी, पहली लाइन से मतलब है कमी कहेगा तो 100 से कम, अगर 100 में से 25 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 25 निकलेगा तो कितना बचेगा 75, तो बटे 75, परसेंटेज के लिए 100, 25 का 25 75, हो जाएगा 100/3 माने 33.3%, अर्थात इसका विकल्प ये लगभग ये सही है, कोई विकल्प सही नहीं है, इसका कोई एग्जैक्ट विकल्प सही नहीं है, ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट विकल्प जो है सही नहीं है।
ठीक है, इसका कोई एग्जैक्ट विकल्प नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे 33.33 होना चाहिए था, इसका कोई एग्जैक्ट विकल्प नहीं सही है क्योंकि यहाँ पे 33.33 होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर हुआ? थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रश्न में ध्यान दीजिए, विकल्प कोई सही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 33.3% आएगा। अगर ये वृद्धि कहता तब कि यदि कोयले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, कोई गृहिणी उसके खपत में कितने परसेंट की कमी कर दे ताकि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, तो अगर पहले वृद्धि कहता ये होता 25/125% के लिए गुणीशन, बस यही होता। अगर यहाँ पे कहता यदि कोयले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, कोई गृहिणी कोयले के खपत में कितने परसेंट कमी कर दे ताकि उसका मासिक खर्च या उसका खर्च अपरिवर्तित रहे, इस दशा में ये इस तरह से रखते, उत्तर कितना था 20%। क्लियर? ऐसे इसका उत्तर क्या होगा, 33.33 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप चाहे तो इसकी क्लिक कर सकते हैं, जितने लोग भी लाइव देख रहे हैं सभी लोग। अच्छा भाई, सवाल फिर यहाँ आ गया है, चलिए ध्यान से देखिएगा, सवाल वही है लेकिन यहाँ पे इसका उत्तर 33.3% है। सवाल वही है, टाइप ऊपर नीचे हो गया था, थोड़ी दिक्कत हो गई लगता था। यदि कोयले के मूल्य में 25% की कमी हो जाए तो कोई गृहिणी कोयले के खपत में कितना परसेंट बढ़ा दे खर्च न बढ़े, तो वही होगा 25% कमी है तो 25/75 × 100, तो ये हो जाएगा 100/3, तो 33 सही 1/3%। और टाइपिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हो गई प्रश्न को, ऊपर नीचे टाइप हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, अगला प्रश्न है, यदि किसी त्रिभुज के आधार 10% की वृद्धि कर दी जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। यह मेंसुरेशन का सवाल है, अगर आपने हमारी क्लास पढ़ी होगी इस प्रश्न को आप बिना पेन उठाए आप चुटकियों में हल कर देंगे, मानी सवाल को लगाने में आपको मात्र 10 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 10 सेकंड लगेगा और इस सवाल आप हल कर लेंगे। तो जितने लोग वीडियो को लाइक देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताएं। मैंने पहले ही भी बताया, अगर एक जगह परसेंटेज बढ़ रहा हो, दूसरी जगह कम हो रहा हो, बाद में कर अपरिवर्तित है, या तो पहले घट रहा हो बाद में बढ़ रहा हो फिर कर अपरिवर्तित हो, इसको हल करने का तरीका क्या है, पहले लिखेंगे आर परसेंट, पहली लाइन कमी या वृद्धि है, कर वृद्धि कर दीजिए, माने 100 से ज्यादा 110% के लिए 150, लड्डू से लड्डू कट गया 100/11, भैया 11 × 99 = 1/11%, 9 सही 1/11%, मैंने इसका उत्तर क्या होगा 20 का राइट आंसर होगा, 20 का सही जवाब होगा। जी हाँ, बी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, ठीक, क्योंकि वृद्धि कह रहा है ना, पहले वृद्धि कर दीजिए, पहली लाइन को पढ़ेंगे, पहली सेंटेंस को पढ़ेंगे, दूसरे सेंटेंस को नहीं, इसलिए मैंने कहा स्टार्टिंग सारी वीडियो आप देख लीजिएगा, जो लगातार क्रम से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन्हें कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, चाहे लर्निंग पे दुर्गेश पे, फेसबुक पेज पे, टेलीग्राम पे, कहीं भी देखेंगे, मैंने आपको इससे अच्छे से पढ़ाया है और आपको शायद विदित होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यहाँ से स्क्रीनशॉट चाहे तो कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, आप स्वतंत्र हैं। अगला आ रहा है, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इस टाइप का भी प्रश्न हमने पढ़ाया है, कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी जाए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सभी लोग सवाल हल करेंगे और इसका उत्तर बताएंगे। ऑनलाइन क्लास के लिए आप सभी लोग 6306344
367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास नोट्स वीडियो लेक्चर इनसे संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने अभी तक पेट क्लास नहीं ज्वाइन किया है तो सभी संपूर्ण क्लास के लिए आप पेट क्लास ज्वाइन करके ऑनलाइन क्लास संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा, आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। वैसे पेट क्लास की एक क्लास चल रही है, अगर आपको वीडियो मिल गई कोई बात नहीं, क्योंकि पेट क्लास की सीरीज है। यहाँ पे देखिए, किसी वृत्त की त्रिज्या में 100% की वृद्धि कर दी है। तो मैंने इसको पढ़ाया था और बताया था कि जहां पे क्षेत्रफल की बात है और एक डेटा दिया गया हो तो उस दूसरे डेटा के लिए हम क्या करते हैं, दो बार गुणा करते हैं। जो क्लास पढ़े होंगे उनको पता होगा, इसे हम क्षेत्रफल की फार्मूला नहीं यूज करेंगे, हम इसे मात्र 10 सेकंड में लगाएंगे। कितना सेकंड? 10 सेकंड में। आइए देखिए 10 सेकंड में कैसे रहेगा। तो ये माना वो क्षेत्रफल अपने आप में 100% था, गुणे 100% की वृद्धि कर दी गई तो क्या हो जाएगा, 200/100। फिर गुणे, मैंने कहा था जब यहां पे क्षेत्रफल पूछे, आयतन पूछता 3 बार और क्षेत्रफल पूछेगा तो गुणा 2 बार। 100-100 से क्लियर, ये लड्डू से क्लियर, कितना हुआ 400। ये बताइए 400 100 से ज्यादा या कम? ज्यादा है। कितना ज्यादा है? +300%। इसका उत्तर क्या होगा? +300%। अगर आप इसे मेंसुरेशन के मेथड से लगाएंगे तो यह सवाल कम से कम 3 मिनट में लगेगा, लेकिन अगर आप हमारे मेथड से लगाएंगे, जो मेथड मैं पढ़ा दिया हूं, क्योंकि मैंने पहले पढ़ाया था, पहले मैंने लेक्चर दिया था, अब मैं प्रश्नों की सीरीज हल करा रहा हूं, तो जब लेक्चर के बाद प्रश्नों की सीरीज हल करेंगे तो आपको एकदम आसान लगेगा। अगर आप किसी ने पहली बार वीडियो को देखा हो तो स्टार्टिंग से सारे क्लास को देख लेगा, 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्रम से देख लेंगे, ताकि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। ऐसे प्रश्न भी आप मात्र 10 सेकंड के अंदर हल कर लेंगे। मैं तो 10 सेकंड ज्यादा बता दूंगा, आप उससे कम में भी हल कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस तो है। ठीक, क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? कोई दिक्कत किसी को यहां से? क्लियर? कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, थोड़ा थोड़ा करके हल करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। स्क्रीन सर्च है तो कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया, कह रहा है एक वर्ग का भुजा मापने में 20% अधिक नापने की त्रुटि हो जाने पर उसका क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा? आराम से बताइए, एक वर्ग का भुजा मापने में 20% अधिक नापने की त्रुटि हो जाती, अधिक माने ज्यादा, इसको उसके क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा? जो लोग लाइव देख रहे हैं, जो रेगुलर क्लास में होंगे, वो इसका प्रश्न का उत्तर आसानी से और तुरंत दे लेंगे, इसका एग्जैक्ट उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना कि जो इस क्लास को रेगुलर देख रहे होंगे, जो लगातार क्लास पढ़ रहे होंगे, उन्हें इस तरह के प्रश्नों में कभी भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो पहली बार पढ़ेंगे उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, कह रहा है वर्ग की भुजा को नापने में 20% अधिक त्रुटि हुई, अधिक त्रुटि, यह प्रश्न की भाषा है, जबकि लगाने का तरीका मात्र 20 सेकंड ही है, कैसे 10 सेकंड है, कैसे? मानस का क्षेत्रफल अपने आप में 100% है, गुणे 20% अधिक हुआ माने 120/100। यहाँ पे वर्ग दिया है और इसका क्षेत्रफल पूछा है तो गुणा 2 बार करेंगे, ये हमने पहले ही पढ़ा दिया है। अब हम प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं, 100-100 से कैंसिल, यह लड्डू इससे, यह लड्डू इससे, 144। पहले क्षेत्रफल 100 था, 144 हो गया, बढ़ा कि घटा? बढ़ा। कितना बढ़ा? 44%। इसका उत्तर होगा +44%, माने 44% की वृद्धि, अर्थात इसका विकल्प सी इसका राइट आंसर होगा, सी इसका सही जवाब होगा, सी क्या होगा, इस दिए गए प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब बताएं, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, अब जरा कमेंट करके बताएं, क्या अब यहां से आपको कोई दिक्कत है, क्या अब कोई समस्या है? अगर है तो बेहिचक आराम से पूछ सकते हैं। सभी लोग बताइए, कोई दिक्कत, कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीन शॉट चाहे तो कर सकते हैं। बताइए, कोई भी सवाल हो, 10 सेकंड ज्यादा आपका समय नहीं लगेगा हल करने में, 10 सेकंड माफ ज्यादा ज्यादा। आइए, यहां पे प्रश्न है आपके सामने, काफी बड़ा प्रश्न है। एक परीक्षा में ब्रिजेश ने 20% अंक प्राप्त किया तथा 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए,
सर्वेश ने इसी परीक्षा में 32% अंक प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक प्राप्त किया। अनुत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता पड़ेगी? जरा प्रश्न को पढ़िएगा, हल करिएगा, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है हम इसके प्रश्न को बताएंगे। बहुत लंबा प्रश्न नहीं है, बहुत शॉर्ट में बताएंगे, मुश्किल से 15 सेकंड में हल करेंगे, मुश्किल से 15 सेकंड, हाँ 15 सेकंड सभी लोग हल करें। इसकी एक ट्रिक है, एक छोटा सा ट्रिक है, एक लाइन का ट्रिक है, और वो मुश्किल से 10 सेकंड में हल करा देगा सवाल, लेकिन उसके बाद को समझिएगा। जब किसी भी परीक्षा में दो परीक्षार्थियों के अंक की तुलना करें, बात को गौर समझिएगा, जब किसी भी परीक्षा में किसी भी दो परीक्षार्थियों के अंकों का तुलना प्रतिशत का तुलना किया जाए और उसके बाद उसका पूर्णांक निकाला, उसका सबसे सरल विधि क्या है? सबसे पहले इसमें देखना है कि एक पास हो रहा है, एक फेल हो रहा है, एक पास और एक फेल। यहां पे यह बात जानने योग्य, यह बात स्पष्ट में दिखाई दे रहा है, एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से ज्यादा पा रहा है और एक न्यूनतम उत्तीर्णांक से कम पा रहा है। बात को समझिएगा, इस पूरे प्रश्न पे मत जाइए, प्रश्न की केवल एक भाषा पकड़िएगा कि जब किसी परीक्षा में दो व्यक्ति सम्मिलित हो, एक अनुत्तीर्ण हो रहा है और दूसरा उत्तीर्ण हो रहा है, माने पास हो रहा है और एक फेल हो रहा है, माने एक न्यूनतम अंक से ज्यादा पा रहा है और एक न्यूनतम अंक से कम पा रहा है, माने अगर एक बॉर्डर लाइन ये है कि भैया यही पाओगे तो पास होगे, एक ज्यादा पा रहा है और एक कम पा रहा है, इस दशा में उनके अंकों का योग करेंगे। क्या करेंगे? अंकों का योग। अंक का योग करने क्या हो जाएगा भैया? यहां पे 30 अंक पाया था, ध्यान देखिएगा, अंकों का योग 30 अंक प्लस एक कितना पाया था 42, अंकों का योग बटे प्रतिशत का अंतर, प्रतिशत क्या यहां 20 और यहां 32, तो भैया 32 माइनस 20 कुल पूर्णांक। तो कुल पूर्णांक अपने आप में 100 है, मैंने पढ़ाया, कुल पूर्णांक जो होता है वो अपने आप में 100 या 100% होता है, माने गुणे। अब ये निकल गया पूर्णांक, ट्रिक याद हो गया, बस इतना ही करना है पूरे प्रश्न में, तो हो जाएगा 72/12, 72/12 गुणे 100, तो 12×6=72, तो जो परीक्षा का पूर्णांक है वो 600 है। क्या है? परीक्षा का पूर्णांक 600 है, लेकिन ये न्यूनतम उत्तीर्णांक पूछ रहा है, न्यूनतम उत्तीर्णांक क्या होगा? तो न्यूनतम उत्तीर्णांक के लिए चाहे ब्रिजेश से निकालिए, चाहे सर्वेश से निकालिए, किसी से भी निकाल सकते हैं, तो न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना प्रतिशत था? आइए उस प्रश्न को हल करते हैं। तो न्यूनतम उत्तीर्णांक निकालने के लिए किसका सहारा लिया जाए? अगर हम ब्रिजेश का सहारा ले तो ब्रिजेश क्या किया कि 600 नंबर की परीक्षा दिया, कितना अंक पाया? 20% अंक पाया। क्लियर? कह रहा है कि यदि ये 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब अगर ये 30 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता। क्लियर? कह रहा है कि 600 अंकों पूर्णांक 600 हो गया, 600 के पेपर में 20% अंक पाया और 30 अंक से फेल हो गया, माने बेचारा 30 नंबर और पा जाता तो पास हो जाता, तो 30 जोड़ दीजिए। अब क्या करेंगे, ये दो लड्डू इससे जोड़ दीजिए, तो 6×12 = 120 + 30 ये हो गया 150। तो जो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक था वो 150 अंक पाने वाला पास होता। क्लियर हुआ? अब 150 जो है 600 का कितना परसेंट है, तो भैया सीधा सीधा निकाल देंगे, 150/600 परसेंटेज के लिए गुणा 100, 0 0 कट गया, 15×6=60, 4×25 तो क्या हो जाएगा 25%। इसका उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर। आराम से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिए, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं इसे दोबारा समझा रहा हूँ, आराम से पढ़ लीजिएगा। जी हाँ, इसकी PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, दुर्गेश सर सर्च कर बिना स्पेस के लर्निंग मित्र से भेजिएगा, ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है, नोट्स उपलब्ध है, वीडियो लेक्चर उपलब्ध है, एक बार इसको पढ़ लीजिए। इतना बड़ा प्रश्न को आप चाहेंगे तो 15 से 20 सेकंड में हल कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। आइए मैं बताता हूं, कह रहा है एक परीक्षा में
ब्रिजेश ने 20% अंक पाया और वह 30 अंकों से परीक्षा अनुत्तीर्ण हो गई, जबकि इसी परीक्षा में सर्वेश 42% अंक पाया और न्यूनतम उत्तीर्णांक से 42 अंक अधिक है, तो परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक परसेंट क्या होगा? सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हम इस प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। इस प्रश्न में एक बात स्पष्ट हुआ कि एक कम पा रहा है, एक ज्यादा, माने न्यूनतम उत्तीर्णांक से एक व्यक्ति ज्यादा पा रहा और एक व्यक्ति कम पा रहा है। जब एक ज्यादा और एक कम पाएगा उस दशा में अंकों का योग कर देंगे और परसेंटेज का अंतर, अंकों का योग क्या होगा, 30 और 42 72, परसेंटेज का अंतर 32 - 20 12 गुणे 100 करेंगे तो पूर्णांक। अगर परीक्षा में पूछता उस परीक्षा का पूर्णांक क्या था तो 600 था, लेकिन कह रहा नहीं नहीं इसका न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या था, तो ठीक है भैया निकाल देते हैं। तो हम पहले ब्रिजेश से भी निकाले, सर्वेश दोनों से निकाल सकता था, हमने ब्रिजेश से निकाला कि ब्रिजेश उस परीक्षा में 600 का 20% अंक पाया और 30 अंकों से फेल, माने 600 का 20% पाया 30 से फेल हो गया, बेचारा 30 नंबर और पा जाता पास हो जाता, तो 600 का 120/100 प्लस 30 कर दिए तो परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक था वो 150 निकल गया, लेकिन वो परसेंटेज पूछा है 150 600 का कितना परसेंट है, तो भैया 150/600 गुणे 100 कर देंगे क्या आएगा 25%, तो इस परीक्षा का जो न्यूनतम उत्तीर्णांक था वो 25% अंक में 150 था, पूर्णांक इसका 600 था। इस परीक्षा में इस प्रश्न में तीन प्रश्न बन सकते थे, इसमें पूर्णांक पूछ सकता था, न्यूनतम उत्तीर्णांक अंक पूछ सकता था और न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछ सकता था, तीन प्रश्न बन सकते थे। तीनों प्रश्न को हमने बारी बारी से समझा दिया, एक ये प्रश्न बनेगा, एक ये प्रश्न बनेगा, एक ये प्रश्न बनेगा, ये तीन प्रश्न इस तरह के सवाल में बनते हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं क्या आपको ये वीडियो समझ में आया, क्या आपको यह टॉपिक समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया, एक विद्यार्थी का उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 33% अंक प्राप्त करने की आवश्यक है और वह 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, अधिकतम अंक क्या होगा, जरा बताइएगा अधिकतम अंक क्या होगा, माने पूर्णांक क्या होगा। सभी लोग प्रयास करें और इस प्रश्न को जरूर लगाइएगा, नहीं आएगा मैं आपको 10 बार बताऊंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, एक बार आप ट्राई जरूर कीजिएगा, जल्दी से लगाइए सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए क्या होगा, एक विद्यार्थी का उत्तीर्ण होने के लिए पूर्णांक का 33% अंक प्राप्त करना आवश्यक है और 25% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है, ठीक, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या होगा, फटाफट कमेंट कर बताइए। क्या होगा, अरे बहुत ही आसान है यार, आपको लगाने में इस तरह के प्रश्न को मात्र 10 सेकंड लगेगा। भैया देखिए उसको चाहिए था कितना, वो अंक कितना पाया है, उसको चाहिए था 33%, कितना पाया था 33%, वास्तव में कितना पाया 25%, और जब भैया नंबर परसेंटेज में कम पाया कितने अंकों से फेल हुआ 40 अंकों से, बस क्लियर, 33% जगह 25% अंक पाया 40 अंकों से फेल हो गया, माने परसेंटेज का अंतर कितना हुआ, ये हो जाएगा 8% = 40, 1% = 40/8। अब पूछा है पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है अपने आप में 100%, तो 100% के लिए क्या करेंगे, हमने पढ़ाया ही 100% के लिए क्या करेंगे, बोले 8 × 5 = 40, 5 × 100 परीक्षा का जो पूर्णांक है वो क्या होगा, क्लियर। अरे भैया उसको 33% अंक चाहिए, 25% अंक पाया है, माने अंक कितना कम पाया है 8%, और 8% = 40 सीधा सीधा निकल गया, और 1% = 5, 100% = 500, तो परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वो 500 होगा, क्या होगा, परीक्षा का जो पूर्णांक वो 500 होगा, पूर्णांक क्या होगा 500 होगा, क्लियर।
कोई दिक्कत कोई समस्या, जितने भी वीडियो को लाइव देख रहे सभी लोग कमेंट करके बताएं क्या कोई दिक्कत या कोई समस्या है, अगर हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीन शॉट चाहे कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च कर आप ई लर्निंग भी दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपको ई लर्निंग भी दुर्गेश आएगा, उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज लर्निंग भी दुर्गेश, इंस्टाग्राम लर्निंग भी दुर्गेश, और ऑनलाइन क्लास के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास संबंधित अन्य जानकारी भी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जरा कमेंट करके आप लोग बताएं क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, क्या आप लोग को समझ में आ रहा है, क्या जो हम पढ़ा रहे हैं क्या टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं ना, क्योंकि मैंने एक बार पहले पूरा थियरी पढ़ा दी उसके बाद आप प्रश्न को हल करा रहे हैं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपका आसानी से समझ में आए और होता चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि एक श्रोताओं में 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं का शेष बच्चे, बच्चों की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को सभी लोग लगा लेंगे जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। जितने लोग इस प्रश्न को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग एक बार ध्यान से हल करें। हल होता तो ठीक है, नहीं होता है हम पूरा डिफाइन करके आपको दोबारा तिबारा तब तक समझाएंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, क्योंकि हम सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? आपका सिलेक्शन। फटाफट लगाइए जितने लोग लाइव देख रहे हैं। देखिए बहुत ही आसान सवाल है लगाने, पता है इतना बड़ा सवाल आप लोग देख के डर जाते हैं, ये सब लगेगा मात्र 15 सेकंड में। कैसे? कह रहा है कि ये जी अगर मैं ऐसे कह दूं कि एक घर में 10 लोग हैं, मेरी बात को समझिएगा, एक घर में 10 लोग हैं, 3 पुरुष 4 महिला, शेष बच्चे, तो बच्चे कितने हुए? 3 पुरुष 4 महिला शेष बच्चे, तब क्या करेंगे? पुरुष महिला को जोड़कर कुल में से घटा देंगे। कहेंगे सर 4 × 3 = 7, 10 में से घटाएंगे 3, तो बच्चे कितने निकले? 3। आप यही बताएंगे, वही सेम फॉर्मूला यहाँ यूज करना। अब यहाँ क्या करना है कि कुल संख्या अपने आप में एक होती है, एक में से इन दोनों का योग घटा देंगे। इनका योग क्या है? पुरुष और महिला को घटा दीजिए, अब बचेंगे बच्चे। क्लियर? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 - यहाँ 6 होगा, 1 + 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 - 3/6, 6 × 6 = 6 में से 3 गया, 3/6 माने 1/2। तो जो बच्चों की संख्या है वो कितनी है? 1/2। बच्चे कितने होंगे? 1/2। अगर हम भाग में देखें तो 1/2 भाग बच्चे। यहां तक क्लियर? कह रहा है बच्चों की संख्या कुल श्रोताओं की कितनी है, तो कुल श्रोता जितने हैं अपने आप में 100% होते हैं। बच्चे कितने हैं? 1/2, तो 100 का 1/2 करेंगे तो आएगा 50%। तो भैया इसका उत्तर क्या होगा? 50%। क्या होगा? 50% होगा। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वो ध्यान से देख लें, समझ लें। अगर समझ में नहीं आता हम इसे दोबारा तिबारा तब तक समझाएंगे जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। यहाँ पे ज्ञात हो गया आपको कि कुल संख्या कितनी होगी? 50% होगी। बताइएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। बढ़े आगे, चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। देखिए इन दोनों को जोड़कर 1 से घटा दिया, बच्चे निकल गए, और बच्चे का संख्या पूछा है, कुल का 100 से गुणा कर देंगे तो कुल अपने आप में 100% होते हैं, तो आ जाएगा 50%। चलिए कह रहा है 5 × 25 125 का कितना प्रतिशत होगा? 5 × 25 125 का कितना प्रतिशत होगा? यह आखिरी प्रश्न है। ये जितने लोग इस प्रश्न को हल कर लेंगे इसका मतलब यह है कि आज की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई, ठीक है। जल्दी से बताएं आज ये आखिरी सवाल इसका है, सभी लोग कमेंट करें फटाफट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 125 का 125 कितने प्रतिशत है, तो साफ दिख रहा है ये अपने आप में कितना प्रतिशत है? 100।
लेकिन फिर भी हम इसको हल करके दिखा देंगे। मतलब बिना पेन उठाए आप ये बता सकते हैं कि भैया 100% है, कैसे ये 125 हो गया, 125 कितना प्रतिशत है, 100 है। लेकिन लगाने के लिए देखेंगे 125 कितना परसेंट है, माने 125 का यक्स परसेंट, माने एक्स परसेंट माने यक्स बटा 100, यक्स बटा 100 हो जाएगा बराबर क्या 100, जो उधर जाएगा तो यक्स बराबर 125 से पलट जाएगा, पलटेगा 100 ऊपर हो जाएगा 125 नीचे, ये कट गया तो यक्स बराबर क्या होगा 100। क्लियर, ऐसे आप तुरंत बता देंगे, पेन चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर, इस प्रकार आज जो ये प्रश्नों की सीरीज थी ये पूरी तरीके से समाप्त हुई। अब अगली सीरीज हम लोग बी कंटिन्यू कल करेंगे, कल इसके आगे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट सारे थ्योरी आपको धीरे धीरे करके एक एक करके समझ में आना शुरू हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपने जितनी सारी वीडियोज इसके पहले सीरीज से मिली है उन सभी सीरीज को एक बार पढ़ेंगे, तब जाके धीरे धीरे प्रश्न आपको आसान लगने लगेगा, फिर आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में गणित बहुत आसान है। दुर्भाग्य था अचानक के एन मौके पर जैसे क्लास खत्म होगी उसके बाद ही लाइट कटी है, तो कुछ संजोग भी होता है और कुछ भी होता है। तो चलिए सभी साथियों का सबसे पहले धन्यवाद दे दें इस वीडियो को देखने के लिए, अंत तक जुड़े रहने के लिए। और आज की क्लास समझ में आ गई होगी, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे है, दुर्गे से सर्च कर एलएनए भी दुर्गे से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए जो नंबर दिया गया उस पर जुड़कर आप ऑनलाइन क्लास संबंधी जानकारी ले सकते हैं, नोट्स संबंधी जानकारी ले सकते हैं, और कोई समस्या हो बेहिचक आप बेधड़क हो सकते हैं, ठीक है। अभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।